ग्वालियर के अलग अलग थानों में कई सालों से पदस्थ पुलिस कर्मियों के लिए बुरी खबर आ रही है। थानों पर अपना प्रभाव रखने वाले पुलिस कर्मियों के तबादले की सूची तैयार हो गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक सूची में 419 पुलिस कर्मियों के नाम शामिल है, जिनका जल्द ही तबादला किया जाएगा। जिले के कई स्थानों पर ऐसे कई पुलिस कर्मी हैं जो कई सालों बाद भी एक ही थाने में पदस्थ हैं। आईजी अरविंद सक्सेना ने भी सभी पुलिस कर्मियों की सूची के साथ आदेश जारी किया है। सूची के मुताबिक करीब 252 आरक्षक, 132 प्रधान आरक्षक, 30 सहायक उप निरीक्षक और 5 उप निरीक्षकों का जल्द ही तबादला किया जाएगा। देखिए, ये चारों जिलों हैं हमारे जो जोन में, ग्वालियर है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सभी के पुलिस अधीक्षकों को हमने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ये लगभग 4 साल के ऊपर से भी बहुत से आरक्षक प्रधान आरक्षक पदस्थ हैं विभिन्न थानों में, तो इनकी जो सूची बनाएं और इनको जा, खासकर ऐसे आरक्षक जिनके खिलाफ शिकायतें भी हैं और जो कोई विशेष काम नहीं कर रहे मतलब अपने थाना क्षेत्र में, तो इनके थाने परिवर्तित करें। और ये पुलिस अधीक्षक का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो किस आधार पे इनके थाने परिवर्तन करते हैं। कुछ पुलिस अधीक्षक ये क्राइटेरिया बनाते हैं कि उनको ऑप्शन में विकल्प देते हैं कि कहाँ पदस्थ होना चाहते हैं, फिर परीक्षण करते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसे थाने में चला जाए जहाँ पर वो ठीक नहीं रहे उनकी पदस्थापना। तो ये पुलिस अधीक्षक का डिस्क्रिप्शन रहेगा अपना कि वो उनको कहाँ पदस्थ करते हैं।